हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मल्टीवेगर शेयर की जिसने एक महीने के अंदर दमदार रैली दिखाई है। और अगर आप देखें तो रेमको होम फाइनेंस लिमिटेड की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर इस शेयर के अंदर एक बड़ी गिरावट आई थी और उसके बाद फिर से ये शेयर इस समय एक महीने के अंदर काफ़ी अच्छे रिटर्न देते हुए एक स्पीड के साथ भागता हुआ नज़र आ रहा है। आज के दिन में भी इसके अंदर लगभग 20% तक की तेज़ी नज़र आती हुई दिखाई दे रही है और इसने तीन बार में ही लगभग पूरा का पूरा मैदान अपने हाथ में कर लिया है। लगभग एक महीने के अंदर 62 से 63% तक की तेज़ी रेपको होम फाइनेंस लिमिटेड ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि आपको आने वाले टाइम में ये शेयर एक ज़बरदस्त बूम बॉक्स की तरह रिटर्न देता हुआ नज़र आएगा। यहाँ पर अगर ओवरऑल मैं आपको बताने की कोशिश करूँ तो जो असली चीज़ आपको यहाँ नज़र आ रही है ना, वो पिछले 5 दिन के डाटा में ही नज़र आ जाएगी। आपको यहाँ पर जो चीज़ दिखाई दे रही है कि पिछले 5 दिन के अंदर रेपको होम फाइनेंस लिमिटेड लगातार 20-20% तक के अप सर्किट लगाता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है और जिस हिसाब से ये तेज़ी इस समय इस शेयर के अंदर है, उससे आप ये समझ सकते हैं कि शेयर की जो क्रिप है मार्केट के अंदर बहुत तेज़ी से भागती हुई नज़र आ रही है। यानी कि एक बड़े हाई के बाद ये शेयर दोबारा से कमबैक करता हुआ नज़र आ रहा है। एक अच्छी खासी रैली जो पहले शेयर के अंदर थी वो दोबारा से अब वापस आती हुई नज़र आ रही है। जिस हिसाब से ये शेयर पिछले काफ़ी टाइम से गिरता हुआ नज़र आ रहा है, अब जो बड़ी खबर के साथ इस शेयर के अंदर जो एक मजबूती दिखाई दे रही है, उससे डेफिनेटली जो लोग इस शेयर के अंदर फंसे हुए होंगे उसके लिए एक राहत की खबर ज़रूर रहेगी। और डेफिनेटली मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि किस हिसाब से एक्सेल के ऊपर ये अपने डाटा को प्रिंट करता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि आप ये समझिएगा कि क्वार्टरली रिटर्न किस हिसाब से निकलता हुआ दिखाई दिया है और उसके बिहाफ पे ये शेयर दौड़ता हुआ नज़र आएगा। के ऊपर बाइंग की रेटिंग आई थी और ICICI सिक्योरिटीज़ ने इसका जो टारगेट दिया है वो लगभग 470 का दिया है और अभी भी ये 470 से बहुत नीचे है। पिछले 5 दिन के अंदर ही जब इस तरह से ये शेयर 60% तक की तेज़ी नज़र कराते हुए दिखाई दे रहा है, तो आपको आने वाले टाइम में किस हिसाब से ये शेयर रिटर्न देगा वो आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। और जिस हिसाब से ब्रोकरेज हाउस ने इसके ऊपर इतने बड़े टारगेट के लिए ख़रीदारी की सलाह दी है, तो डेफिनेटली आप ये समझिएगा कि आपको आने वाले टाइम में रेपको होम फाइनेंस विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 470 के लिए भागता हुआ नज़र आएगा। करंट प्राइस की बात करें तो जब इसका मार्केट प्राइस था वो 181 रुपये था और उस समय इसके अंदर एनालिसिस ने इसके ऊपर ख़रीदारी की सलाह दी थी और इस समय आपको जो शेयर प्राइस नज़र आ रहा है वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है। यानी कि 3 दिन के ही अंदर 5 दिन की जो रैली दिखाती है चार्ट के अंदर, उसे आप ये समझ लीजिएगा कि लगभग 56% तक के रिटर्न इसने एकदम तुरंत दे दिए हैं। और अधिक विस्तार से समझेंगे कि किस हिसाब से रेपको होम फाइनेंस आपको एक अच्छी खासी तेज़ी दिखा सकता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो चार्ट के ऊपर चीज़ें नज़र आती है इस समय दिखाई दे रही है, उसमें आप एक ही चीज़ देख पा रहे हैं कि कैसे इसकी जो मार्केट कैप है इस समय वो लगभग आप देखेंगे 1500-1550 करोड़ की मार्केट कैप है और 350 का इसका हाई है और 113 रुपये का इसका लो है। अभी 247 पर ये चलता हुआ दिखाई दे रहा है और 470 का इसका जो टारगेट है वो बिल्कुल मत भूलिएगा। इस समय टारगेट ही सबसे बड़ी चीज़ है और 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है। ये पिछले 4 क्वार्टर का डाटा अगर आप देखें और उससे पहले का भी डाटा देखेंगे तो कंटिन्यूसली अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर जो 4 क्वार्टर के अंदर जो आपको नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है वो ये है कि इसने जो पहले क्वार्टर के अंदर 86 करोड़ का नेट प्रॉफिट बनाया था, उसके बाद कंटिन्यूसली शेयर के अंदर गिरावट आई है। यानी कि प्रॉफिट के अंदर गिरावट हर क्वार्टर के अंदर आई, लेकिन उसके बाद फिर से ये कमबैक करता हुआ जो इस समय नज़र आ रहा है, उससे आप ये समझिएगा कि ईयरली बाई ईयरली जिस हिसाब से इस शेयर के जो नेट प्रॉफिट है वो डिक्लाइन होते हुए दिखाई दे रहे हैं पिछले 2 साल के अंदर, उससे आप ये समझ सकते हैं कि क्योंकि उससे पहले कंटिन्यूसली ये जो डाटा है वो बढ़ते हुए क्रम में जा रहा है, लेकिन पिछले 2 साल के अंदर एकदम से डिक्लाइन आता हुआ नज़र आ रहा है। यही रीज़न था कि शेयर के अंदर गिरावट थी। अब दोबारा से कोई बड़ी खबर और बड़े अच्छे रिटर्न डेफिनेटली आते हुए नज़र आएंगे, वही रीज़न है कि शेयर भागते हुए
आपको स्पीड के साथ, बुलेट ट्रेन की स्पीड के साथ 5 दिन के अंदर ही 56% तक के रिटर्न देता हुआ दिखाई दे रहा है।